बहुजन समाज पार्टी भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। रामगढ़ विधानसभा से अंबिका यादव को बीएसपी का टिकट मिलना तो तय हो गया है। अंबिका यादव के पक्ष में बसपा के नेता नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कैमूर के दुर्गावती प्रखंड के जेवरी गांव में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। बहुजन समाज पार्टी की बैठक में रामगढ़ विधानसभा सीट से अंबिका यादव को वोट देने की अपील की गई। इस बैठक में सावट के मुखिया मकसूद अली ने दावा किया कि अंबिका यादव गरीबों के हितों के लिए काम करते हैं। अली ने लोगों से अंबिका यादव का साथ देने की अपील की है। जी, हम लोगों का यही बैठक चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हम लोग बैठक किए हुए हैं कि अगर इस रामगढ़ विधानसभा में दबे कुचले अल्पसंख्यक और SC ST का अगर आवाज़ उठाने वाला कोई है, सर्व समाज का दबे कुचले लोगों का, तो वो अंबिका यादव हैं। अंबिका यादव के हम लोग साथ हैं, उनके सहयोग में लगे हुए हैं और अब की बार जीता करके उनको विधानसभा भेजना है, यही हम लोगों का लक्ष्य है। इसी बात को लेकर के हम लोग सारे लोग बैठक करेंगे। क्या नाम है? वहीं बसपा नेता शिव बच्चन राम ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती ने अंबिका यादव को टिकट फाइनल कर दिया है। राम ने कहा कि पार्टी कैंडिडेट अंबिका यादव के पक्ष में लोगों को एकजुट किया जाएगा। आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में रामगढ़ विधानसभा में चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और उस कारवां को लेकर हम बहुजन समाज एवं सर्वरण समाज के लोग रामगढ़ विधानसभा में चल चुके हैं और टिकट श्री अंबिका यादव को क्लियर हो गया है और हम लोग उनके लिए रातों दिन दलित, अति पिछड़ा, अरब संख्यक या सर्वजन समाज के लोग बहुजन समाज का झंडा लेकर के पूरे रामगढ़ विधानसभा में तय कर लिया है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी का विधायक श्री अंबिका यादव को जिताने का काम करेंगे। इसलिए हमारी वे बैठक चल रही है। वहीं बक्सर लोकसभा से BSP के इंचार्ज राम अवतार राम ने कहा कि अंबिका यादव को रामगढ़ से टिकट मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अंबिका यादव को चुनाव जिताने के लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित होकर काम करेंगे। राम अवतार राम ने कहा कि दलितों और गरीबों के हाथों को मजबूत करने और बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए अंबिका यादव समर्पित होकर काम करेंगे। आज रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर, उनके आदेश पर रामगढ़ विधानसभा का टिकट हम लोगों के स्थानीय नेता श्री अंबिका सिंह यादव जी का टिकट बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से फाइनल हो चुका है। बहन जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। आज से 6 महीना पहले हम लोग आज बैठक करके उनको चुनाव जिताने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक एक वोट, एक एक मतदाता संकल्प लेगा। आज हम लोग जेवरी गांव में बैठे हुए हैं, यहाँ जितने हमारे भाई बैठे हुए हैं, चाहे किसी समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों, चाहे अति पिछड़ा के हों, चाहे पिछड़ा के हों, या सर्वजन समाज के भाई हों, सब लोग आज हम लोग संकल्प लेंगे कि अंबिका भाई को रामगढ़ विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता करके, भारी मतों से जिता करके हम लोग रामगढ़ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को मजबूत करेंगे। कांसीराम साहब के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, उनके जो निर्देश पर जो चल रहा है कारवां, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब के कारवां को हम लोग मिशन को सफल बनाएंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग बैठक किए हुए हैं और हम लोग संकल्पित हैं कि हम लोग अंबिका सिंह यादव जी को भारी मतों से जिता करके रामगढ़ विधानसभा से भेजने का काम करेंगे, क्योंकि ये ऐसे आदमी हैं जो जहाँ भी दलित समाज की लड़ाई होती है, दलित समाज चाहे बैकवर्ड समाज चाहे अति पिछड़ा समाज पर जहाँ भी शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है, हम लोगों के विधायक, पूर्व रहे विधायक भाई अंबिका सिंह यादव जी रात दिन वहाँ जा करके हमारे लोगों का मदद करते हैं और मदद करके सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग आज संकल्पित हैं, उनको जिताने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और उनको विधायक बना करके रहेंगे। BSP अगर अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो महागठबंधन का नुकसान होना तय है। वहीं BSP के अलग से चुनाव लड़ने से NDA को फायदा मिलेगा। वैसे अंबिका यादव के लिए अकेले BSP के दम पर चुनावी मैदान में जीत हासिल करना लोहे के चने चबाने जैसा ही है। पंजाब केसरी TV के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।